अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर, सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश के इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक स्टोरी है जिसका टाइटल है द मैजिक हर्ब। ये वीडियो आप यूट्यूब के बीएमसी इजू उर्दू स्टैंडर्ड सिक्स इस चैनल पर देख रहे हैं। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश हमारी जो टेक्स्ट बुक है माय इंग्लिश बुक सिक्स, उसका थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर द मैजिक हर्ब। बच्चों, ये जो टाइटल है द मैजिक हर्ब, मैजिक का मीनिंग हमें पता है ना, मैजिक यानी जादू, और हर्ब कहते हैं जड़ी बूटी या पत्तों को। जड़ी बूटी या पत्ते जो आमतौर से दवाओं में या खाने बनाने के लिए अलग अलग किस्म के पत्ते ना, जैसे आपने नाम सुना होगा कड़ी पत्ता, कोतमीर, पुदीना, ये ऐसे पत्ते होते हैं जिन्हें हम अपनी गिजा में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बहुत से ऐसे पत्ते भी होते हैं जो दवाओं के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर इसी तरह इस तरह के तमाम पत्तों को हर्ब कहा जाता है। ऐसे ही एक हर्ब को यूज करते हुए यहाँ पर एक स्टोरी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टोरी में कई सारे नए वर्ड्स आ रहे होंगे, और एक खास जो हमें सबक मिल रहा है, जो मॉरल हमें लास्ट टाइम मिलता है, वो बहुत अहम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी स्टोरी की। जैसा कि पिक्चर में नजर आ रहा है, ये एक नाइट सीन है। तो स्टोरी है 3.2 द मैजिक हर्ब। नॉक नॉक नॉक, ये क्या है एक्चुअल में? नॉक 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 ये कोई वर्ड्स नहीं है, बल्कि जब हम किसी दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो उस दस्तक देने के अमल को जाहिर करने के लिए नॉक 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 ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। सो ये जो वर्ड्स यूज किए हुए हैं नॉक नॉक नॉक, है ना, देखिए पहले तो उसमें जो के वर्ड है शुरू में वो साइलेंट है, और नॉक का मतलब होता है दरवाजे पर दस्तक देना। तो आगे लाइन में लिखा हुआ है समवन वाज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन। Someone was knocking on the door of the inn. Inn कहते हैं सराय को या मुसाफिर खाने को। अब आप सोच रहे होंगे सराय या मुसाफिर खाना क्या होता है? तो बच्चों, आजकल हम देखते हैं कि हम मुंबई में रहते हैं, तो हम मुंबई में हमारे शहर हमारे घर के करीब में बहुत सारे लॉज और होटल्स होते हैं, जहां पर दूसरे शहरों से आने वाले लोग एक दिन, दो दिन, या जितना भी उन्हें कयाम करना हो वो वहां पर ठहरते हैं। तो ये लॉजेस हैं, लेकिन पुराने जमाने में इस तरह लॉज नहीं हुआ करते थे, बल्कि उन्हें इन्स कहा जाता था, जो उर्दू में उसे सराय कहते हैं ना। तो ऐसा ही एक इन जो था उसके दरवाजे के ऊपर Someone was knocking, कोई शख्स था जो दस्तक दे रहा था। It was already getting dark outside, है ना, getting dark का मतलब होता है अंधेरा छा गया होना, यानी रात हो गई थी। कि it was already getting dark outside, बाहर अंधेरा छा चुका था, यानी रात हो चुकी थी, और रात के वक्त कोई शख्स उस लॉज के उस इन के ऊपर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अब कोई दस्तक दे तो क्या होता है, हम पूछते हैं कौन है, तो अंदर से आवाज आई हुज देयर, द इनकीपर कॉल्ड फ्रॉम विद इन।
हु इज देयर है ना. अच्छा बच्चों ये हुज लिखा हुआ है जहां पर हु के साथ एफोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी ऊपर कॉमा लगाकर एस लगाया हुआ है. ये एक्चुअल में इज है, जैसा हम इंग्लिश में इज यूज करते हैं ना, ही इज अ फार्मर, ही इज अ स्टूडेंट, तो इसी तरह से ये इज है ना, जिसे इस तरह से मिलाकर लिखा हुआ है. हुज का यहाँ पर मतलब क्या होता है, हु इज देयर यानी दरवाजे पर कौन है. द इनकीपर कॉल्ड फ्रॉम विद इन, जो इनकीपर था यानी उस इन यानी जो सराय है, जो लॉज है, उसका जो देखभाल करने वाला था या जो उसका मालिक था, उसने फ्रॉम विद इन अंदर से ही उसने आवाज लगाई और पूछा कि कौन है, यानी दरवाजे पर कौन है जो दस्तक दे रहा है. तो जो शख्स दस्तक दे रहा था उसने कहा, आई एम अ पुअर टायर्ड मर्चेंट, आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट द इन. क्या कहा उसने, आई एम अ पुअर टायर्ड मर्चेंट, मैं एक मर्चेंट हूं. मर्चेंट यानी ताजिर है ना, ताजिर यानी क्या, द पर्सन हु सेल्स गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ना. ताजिर क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान फरोख्त कर रहा होता है वो ताजिर कहलाता है. सो ये जो मर्चेंट था वो कह रहा था, आई एम अ पुअर टायर्ड मर्चेंट, मैं एक गरीब और टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ. आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट द इन, और मैं रात में यहाँ पर रुकना चाहता हूँ. टू स्पेंड का मतलब होता है गुजारना, वक्त गुजारना. आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट, मैं रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ. एट द इन, इस लॉज में, इस होटल में. सेड द मैन आउटसाइड, उस आदमी ने बाहर से ये कहा है ना. देखिए अब जो इनकीपर है यानी जो सराय का मालिक है, उसने दरवाजा खोले बगैर ही इतनी बात उससे कर ली. तो उसने बताया कि मैं एक ताजिर हूं, मैं एक मर्चेंट हूं. द इनकीपर वॉज नॉट प्लीज्ड टू हियर दैट द मैन वॉज पुअर, बट ऑल द सेम ही ओपन्ड द डोर एंड ब्रॉट हिम इनसाइड. ठीक है, अब जो इनकीपर था, ही वॉज नॉट प्लीज्ड, वो बिल्कुल भी प्लीज्ड नहीं हुआ. प्लीज कहते हैं खुश होना को. टू हियर दैट द मैन वॉज पुअर, कि वो जो बाहर आदमी नॉक कर रहा है वो गरीब है, वो पुअर है, ये बात सुनकर उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा, उसे खुशी नहीं हुई. लेकिन इसके बावजूद, बट ऑल द सेम, इसके बावजूद भी ही ओपन द डोर एंड ब्रॉट हिम इन साइड. ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला और उस आदमी को अंदर ले लिया, यानी दरवाजे से जो दस्तक दे रहा था उस आदमी को, उस मर्चेंट को इनकीपर ने अंदर ले लिया. अब अंदर लेने के बाद जब उसे वो नजर आया तो उसका हुलिया बता रहा है कि द मर्चेंट वोर सिंपल गारमेंट्स एंड कैरीड ओनली अ सिंपल क्लॉथ बैग ऑन हिज बैक. उसका हुलिया क्या था, द मर्चेंट वोर सिंपल गारमेंट्स है ना, उस मर्चेंट ने बिल्कुल सिंपल गारमेंट्स वोर करे हुए थे. वोर ये वर्ड बनता है वियर से, वियर का मतलब होता है पहनना, और यहां पर उसका पास्ट टेंस हो गया, मतलब पहने हुए था. द मर्चेंट वोर सिंपल गारमेंट्स, उसने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने हुए थे. एंड कैरीड अ सिंपल क्लॉथ बैग ऑन हिज बैक, और उसके साथ में एक छोटा सा बिल्कुल सादा कपड़े का बना हुआ बैग था जो उसके पीठ पर लगा हुआ था, जैसा कि हमें पिक्चर में भी नजर आ रहा है ना. वो बिल्कुल सिंपल सा एक बैग अपने पीठ पर लटकाए हुए इस तरह से वो उसे नजर आया. मरीन वो मर्चेंट बहुत सिंपल था. अंदर आने के बाद उस मर्चेंट ने कहना शुरू किया, आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग टायरिंग डे एट द मार्केट, आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉक बैक टू माई विलेज. क्या कहा उसने अंदर आने के बाद, आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग टायरिंग डे. ना देखिए अभी इससे पहले वर्ड आ रहा था स्पेंड, लास्ट में डी लगा हुआ था, अब यहाँ पर टी लगा हुआ है, तो ये जो स्पेंट
टी लगा हुआ है ये पास्ट टेंस हो जाता है और जब डी रहता है तो वो प्रेजेंट है. सो आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग टायरिंग डे कि आज का जो दिन है मैंने उसे मार्केट में जो गुजारा है वो बहुत लॉन्ग और टायरिंग था. लॉन्ग से मुराद कि पूरा दिन और थका देने वाला उसका दिन गुजरा वो मार्केट में था. अब पूरा दिन थक लेने के बाद आई डोंट हैव द एनर्जी है ना, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है इतनी ताकत नहीं बची है टू वॉक बैक टू माई विलेज कि मैं वापस चलते हुए अपने गांव तक चला जाऊं, इतनी मुझ में ताकत नहीं है, है ना. ये एक्चुअल में स्टोरी चूंकि पुराने जमाने की है इसलिए लोग पैदल सफर किया करते थे तो वो इस तरह से पैदल उसे अपने गांव तक जाना था लेकिन चूंकि वो थक चुका था तो वो कह रहा था कि अब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है. आगे उसने कहा, प्लीज प्रिपेयर अ सिंपल डिनर फॉर मी रिक्वेस्टेड द मर्चेंट ना, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा. रिक्वेस्ट है ये कैसे समझ में आ रहा है कि उसने वर्ड प्लीज यूज किया हुआ है. जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं और उसके साथ हम प्लीज का वर्ड लगा देते हैं तो वो रिक्वेस्ट बन जाता है. तो उसने कहा प्लीज प्रिपेयर अ सिंपल डिनर फॉर मी कि मेरे लिए डिनर करने के लिए एक सादा सा कोई खाना बना दो. यानी उसने कोई बहुत हाई फाई खाने का ऑर्डर नहीं दिया बल्कि मुझे सादा सा कुछ भी खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है. आगे है द इनकीपर जस्ट नॉडेड एंड वेंट बैक टू द किचन. वो जो इनकीपर था ही नॉडेड, नॉड कहते हैं सर हिलाकर हाँ कहने को, है ना. देखिए हम जब किसी को हाँ कहना हो इशारे से तो हम सर को आगे पीछे हिलाते हैं और जब ना कहना हो तो हम दाएं बाएं हिलाते हैं. तो इस तरह जब हम सर को हाँ कहने के लिए सर हिला रहे हैं तो इस एक्शन को नॉड कहा जाता है. उसने भी नॉडिंग की है ना, कुछ मुंह से कहा नहीं, उसने कहा सर हिलाकर यस कहा और फिर वापस किचन में चला गया. He went back to the kitchen. वो अंदर किचन में चला गया. अब किचन में जाने के बाद उसने वहां कुछ कहा. Oh, what's the point in serving such beggarly customers? He calls himself a merchant, but look at his clothes. है ना, उसने क्या कहा अंदर जाने के बाद कि what's the point in serving such beggarly customers? कि ऐसे बेगरली कस्टमर को सर्व करने का उसकी खिदमत करने का क्या मकसद हुआ, क्या फायदा हुआ. बेगरली, बेगरली कहते हैं फकीरों की तरह नजर आने वाला, क्योंकि वो एक गरीब और गरीब मर्चेंट था इसलिए उसके पास ना तो बहुत सारा सामान था ना सवारी थी और ना ही उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, इस वजह से वो ऐसा कह रहा है. आगे उसने और क्या कहा, ही कॉल्स हिमसेल्फ अ मर्चेंट, वो अपने आप को मर्चेंट कहता है, बट लुक एट हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े तो देखो. यानी वो कहीं से मर्चेंट नजर आता है क्या, नहीं. लुक एट हिज बैग, उसके बैग को देखो. हिज शूज आर ऑल वॉर्न आउट, उसके जूते वॉर्न आउट है. वॉर्न आउट का मतलब होता है फटे हुए हैं, यानी जो चीज हम बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं कपड़े जूते वगैरह तो वो फिर फटना शुरू हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है वॉर्न आउट. ही हैज टू कैरी हिज मर्चेंडाइज हिमसेल्फ, है ना, उसके पास कोई नौकर नहीं है. ही कैन नॉट अफोर्ड अ सर्वेंट. मर्चेंडाइज, बच्चों ये वर्ड नया आ गया मर्चेंडाइज, ये वर्ड मर्चेंट से बना हुआ है. मर्चेंट यानी ताजिर, और ताजिर के पास जो भी सामान तिजारत होता है, जो भी सामान वो एक जगह से दूसरी जगह फरोख्त करने के लिए जा रहा है उन सारे सामानों को मर्चेंडाइज कहा जाता है, जिसका उर्दू में मीनिंग होता है माले तिजारत. माले तिजारत यानी वो सामान जो वो तिजारत के लिए लेकर जा रहा है. He cannot afford even a good meal, है ना, चूंकि उसने एक सिंपल सा खाना तैयार करने के लिए कहा था तो उस पर इनकीपर क्या कह रहा है, cannot even afford, है ना. Afford का मतलब क्या होता है, afford यानी किसी चीज का खर्च बर्दाश्त कर पाना, यानी इतना पैसा या इतनी पावर होना कि आप उस चीज को afford कर सके, उस चीज को ले सके. So he began to complain to his wife.
उसने अपनी वाइफ के सामने ये तमाम शिकायत की। देखिए क्या शिकायत की, पहले उसने कहा कि अरे ये कैसा मर्चेंट है, उसके कपड़े तो देखो, उसका बैग तो देखो, उसके जूते फटे हुए हैं, वो अपना मर्चेंडाइज खुद ही कैरी कर रहा है, वो सर्वेंट को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और खाना भी उसने सिंपल खाना कहा है, मतलब कोई अच्छा खाना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तमाम शिकायतें, ही बिगैन टू कंप्लेन टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से शिकायतें कर रहा था। अब शिकायतें करने के बाद जब उसने शिकायतें सुनी तो उसकी वाइफ ने कहा, यू आर राइट, सेड हिज वाइफ, है ना, तुम सही बोल रहे हो, यानी वो भी बिल्कुल वैसा ही सोच रही थी। शी वॉज एज ग्रीडी एंड अनकाइंड एज हर हस्बैंड। क्यों उसने ऐसा कहा कि शी वॉज एज ग्रीडी एंड अनकाइंड एज हर हस्बैंड। देखिए दो एडजेक्टिव यूज किए हुए है, ग्रीडी एंड अनकाइंड। ग्रीडी कहते हैं लालची को, और अनकाइंड ये काइंड का अपोजिट हो जाता है, काइंड यानी रहम दिल होना, अनकाइंड यानी बेरहम होना। तो शी वॉज एज ग्रीडी, वो इतनी ज्यादा लालची एंड अनकाइंड बेरहम थी जैसे उसका हस्बैंड, है ना। ये एज और एज लगाकर जब कोई एडजेक्टिव यूज किया जाता है तो मतलब वो भी उसी तरह से उतना ही लालची और उतना ही बेरहम थी ना, यानी जो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बहुत ज्यादा लालची और बेरहम थे। वी कुक अ मील फॉर हिम, अ प्लेस, गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप, एंड व्हाट इज ही गोइंग टू पे इन रिटर्न, जस्ट अ कपल ऑफ कॉइन्स मे बी, व्हाई डिड यू टेक हिम इन, ड्राइव हिम आउट। देखिए अब उसकी जो वाइफ है उसने क्या कहा, वी कुक मील फॉर हिम, कि हम उसके लिए खाना बनाएंगे, गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप, उसको सोने के लिए जगह भी देंगे, एंड व्हाट इज ही गोइंग टू पे इन रिटर्न, है ना, इन रिटर्न का मतलब उसके बदले में वो हमें क्या देगा, वो क्या पे करने वाला है, जस्ट अ कपल ऑफ क्वाइंस मे बी, हो सकता है कि वो हमें एक दो क्वाइंस दे दे, है ना। अच्छा, क्वाइंस से मुराद यहाँ पर पुराने जमाने में नोट का चलन नहीं था, उस वक्त क्वाइंस हुआ करते थे जिसे उर्दू में हम अशरफियां कहते हैं, तो वो कुछ क्वाइंस दे देगा। फिर उसने अपने हस्बैंड से कहा कि व्हाई डिड यू टेक हिम इन, ड्राइव हिम आउट, कि तुमने उसे अंदर ही क्यों लिया, अब उसे बाहर निकालो। ड्राइव आउट का मतलब बाहर निकालना, उसे यहां से बाहर निकाल दो, जब वो किसी काम का नहीं है तो उसे उसकी खिदमत करके क्या फायदा, तुम उसे बाहर निकाल दो। तो हस्बैंड ने कहा, नो नो, सेड द इनकीपर, उसने कहा नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, कि दिस इज नॉट गुड फॉर आवर रिपुटेशन, कि हमारी जो ये जो इन है, जो हमारी लॉज है, उसका नाम जो बना हुआ है, उसका जो रिपुटेशन, जो नाम है, उसका मर्तबा है, वो उसके लिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब हम उसे बाहर निकाल देंगे तो हमारी जो लॉज है उसका नाम खराब हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। आगे हस्बैंड ने कहा, बट आई हैव एन आइडिया, अ वेरी क्लेवर आइडिया, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही चालाकी भरा एक आइडिया मेरे पास है, हम उसे यूज करेंगे। अब वो आइडिया क्या था, तो वो आगे कहता है, I have this magic herb. I bought it long ago. Whoever eats this herb forgets something. देखिए अब उसने अपने पास से एक हर्ब निकाली और कहा कि I have this magic herb. मेरे पास ये जादुई जड़ी बूटियां हैं. I bought it long ago. इसे मैंने बहुत वक्त पहले, लॉन्ग एगो यानी बहुत वक्त पहले, बहुत दिनों पहले बॉट किया था। बॉट ये लफ्ज बनता है बाय से, बाय यानी खरीदना, बॉट उसका पास्ट टेंस है, बॉट यानी खरीदा, मैंने उसे बहुत दिनों पहले खरीदा था। और उसकी खास बात क्या है उस हर्ब की, कि हूएवर ईट्स दिस हर्ब, जो भी शख्स इस हर्ब को खाएगा फॉरगेट्स समथिंग, वो कुछ ना कुछ भूल जाता है, है ना, यानी जो शख्स इसे खाता है उसको इस्तेमाल करेगा वो भूल जाएगा। वी विल कुक अ गुड मील फॉर दिस फेलो एंड एड द मैजिक हर्ब टू इट, कि हम
आगे उसने और क्या बताया कि हम उस आदमी के लिए फेलो, फेलो मतलब साथी, यहाँ पर मुराद वो जो मर्चेंट है, कि उस मर्चेंट के लिए हम लोग अच्छा सा खाना कुक करते हैं, एक अच्छा सा खाना तैयार करते हैं, एंड एड द मैजिक हर्ब टू इट, और उसमें हम मैजिक हर्ब को मिला देते हैं. देन ही इज श्योर टू फॉरगेट सम ऑफ हिज मर्चेंडाइज हियर टुमारो. और ऐसा करने से क्या होगा कि ही इज श्योर टू फॉरगेट, वो जरूर भूल जाएगा ना, श्योर यानी यकीनी तौर से, बिल्कुल भी कुछ ना कुछ जो भूल जाएगा, हिज मर्चेंडाइज, उसके मर्चेंडाइज यानी उसके सामान में से, हियर टुमारो है ना, टुमारो से मुराद जब कल सुबह वो यहाँ से जाने लगेगा तो वो अपने सामान में से कुछ सामान जरूर यहाँ पर भूल जाएगा, ही विल श्योर टू फॉरगेट. अब उसकी ये तरकीब सुनकर वाइफ ने कहा कि हाउ क्लेवर यू आर, एक्सक्लेम्ड द वाइफ, है ना, उसकी वाइफ ने एक्सक्लेम किया, मतलब एक हैरत और ताज्जुब के साथ कहा कि तुम कितने चालाक हो, हाउ क्लेवर यू आर. देखिए यहाँ पर ये हाउ क्लेवर यू आर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो हैरत को जाहिर करा है कि तुम कितने चालाक आदमी हो. और इतना कहने के बाद उस इनकीपर ने कहा कि यस व्हाट एल्स कैन ही फॉरगेट, ही हैज जस्ट हिज मर्चेंडाइज विथ हिम, मे बी ही विल फॉरगेट ऑल ऑफ इट एंड लीव इट बिहाइंड, इट विल श्योरली बी आवर्स टुमारो, है ना. क्या कहा आगे उसने कि व्हाट एल्स कैन ही फॉरगेट, और क्या वो और भी और क्या भूल सकता है, क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या है, ही हैज जस्ट हिज मर्चेंडाइज विद हिम, सिर्फ उसके पास वो मर्चेंडाइज वाला जो कपड़े का बैग है सिर्फ वही है, मे बी हो सकता है ही विल फॉरगेट ऑल ऑफ इट एंड लीव इट बिहाइंड हियर, हो सकता है वो उस बैग को रखने के बाद भूल जाए, एंड लीव इट बिहाइंड, और अपने पीछे इसको लीव कर दे यानी छोड़ दे, यानी पीछे से मुराद कि जब वो यहाँ से चला जाएगा तो वो अपने जाने के बाद उसका बैग यहीं पर भूल कर चला जाएगा, और जब भूल कर चला जाएगा तो क्या होगा, इट विल श्योरली बी आवर्स टुमारो, कि कल का जो दिन होगा वो श्योरली, श्योरली यानी यकीनन हमारा होगा, यानी जब वो अपना सामान यहाँ छोड़कर चला जाएगा तो वो सामान हम ले लेंगे, इस तरह वो मैं सामान यहाँ पर हमें फायदा हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट द ग्रीडी कपल डिड, इस तरह वो जो लालची कपल है यानी दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर वैसा ही किया. दे कुक्ड अ टेस्टी मील फॉर देयर कस्टमर एंड एडेड द मैजिक हर्ब टू इट, ना दोनों ने उस कस्टमर के लिए टेस्टी मील तैयार किया यानी अच्छा सा खाना, उसके लिए जायकेदार खाना तैयार किया और उसी में मैजिक हर्ब को यानी वो जो जड़ी बूटियां थी उसे मिला दिया. द पुअर मर्चेंट डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग, वो बेचारा जो गरीब मर्चेंट था उसको जरा सा भी सस्पेक्ट नहीं हुआ, सस्पेक्ट यानी शक होना, उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ. ही थैंक्ड द इनकीपर फॉर द गुड मील एंड वेंट टू बेड, है ना, ही थैंक्ड द इनकीपर, उसने उस इनकीपर का, उस लॉज के मालिक का शुक्रिया अदा किया, एंड वेंट टू बेड, और फिर वो सो गया, है ना, वेंट टू बेड का मतलब वो सो गया, शुक्रिया अदा करने के बाद वो वहां पर जाकर सो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग एज सून एज द इनकीपर एंड हिज वाइफ वोक अप, दे वेंट टू द मर्चेंट्स रूम, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग एज सून एज द इनकीपर एंड हिज वाइफ वोक अप, एज सून एज, देखिए जो एज सून एज ये यूज किया हुआ है, ये तीनों वर्ड्स साथ में यूज किए जाते हैं जिसका मतलब होता है जैसे ही, है ना, जैसे ही वो इनकीपर और उसकी वाइफ वोक अप, सोकर उठे, जैसे ही दोनों सोकर उठे, दे वेंट टू द मर्चेंट्स रूम, वो दोनों फौरन ही मर्चेंट के रूम में गए जहां पर मर्चेंट सोया हुआ था. अब उस मर्चेंट वाले रूम में जाने के बाद वहां पर क्या देखते हैं, बट अलास, अलास कहते हैं अफसोस करने को, लेकिन बहुत अफसोस हुआ, द मर्चेंट वॉज नॉट देयर, द रूम वॉज एम्प्टी, मर्चेंट वहां पर नहीं था और रूम एम्प्टी था, एम्प्टी यानी खाली, द मर्चेंट वॉज नॉट देयर,
मर्चेंट वहां पर नहीं था, मतलब वो वहां से जा चुका था। द रूम वॉज एम्प्टी, और रूम खाली था। रूम खाली से मुराद ना तो वहां मर्चेंट था ना उसका कोई बैग। What's this? There is no one here. And where's the bag of merchandise? That too is gone. ना देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही वो लोग वहां गए तो हैरत से वहां पर उसने कहा What's this? ये क्या हो गया? There is no one here, यहाँ तो कोई नहीं है और मर्चेंट भी नहीं है और उसका मर्चेंडाइज भी नहीं है। अब लेट्स चेक, द मैजिक ऑफ द हर्ब इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, है ना। इनकीपर ने क्या कहा, लेट्स चेक, चलो चेक करते हैं, क्योंकि उसे यकीन था कि जो मैजिक हर्ब है उसका जो असर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन समथिंग, वो जरूर कुछ ना कुछ चीज भूल कर गया होगा, यानी जो मर्चेंट है वो अगर यहां से गया है तो वो जरूर कुछ ना कुछ भूल कर गया होगा। He must have left something behind, है ना। Left behind का मतलब क्या होता है, अपने पीछे कोई चीज छोड़ जाना। अपने पीछे छोड़ जाने से मुराद यहाँ पर के अपने बाद किसी चीज या किसी वाक्य या किसी मिसाल को कायम करके जाना या कोई सामान छोड़कर जाना। So he must have left something behind, वो कुछ छोड़कर गया होगा। The innkeeper searched in every nook and corner of the room, but he couldn't find anything. जो इनकीपर था उसने हर नुक एंड कॉर्नर का मतलब हर कोने में, हर किनारे पर उसने रूम को सर्च करना शुरू किया, तलाश शुरू की, बट ही कुडंट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। हाउ कम ही फॉरगॉट नथिंग, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कुछ भी ना भूला हो। आई कांट बिलीव इट, मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं है, मैं इस बात को नहीं मान सकता कि वो कुछ भूला नहीं होगा, यानी वो जरूर कुछ ना कुछ भूल कर गया होगा। अब दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पर इस तरह से रूम को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, तभी वहां पर सडनली द वाइफ स्लैप्ड हरसेल्फ ऑन द फोरहेड, है ना। स्लैप्ड हरसेल्फ ऑन द फोरहेड, यानी उसने अपना सर पकड़ लिया, जो औरत थी उसने अपना सर पीटना शुरू कर दिया और उसने अपना फोरहेड यानी पेशानी को पकड़ लिया। वी वर सो फुलिश, कि हम लोग कितने फुलिश हैं, हम लोग कितने बेवकूफ हैं। ही हैज सर्टनली फॉरगॉटन समथिंग, वो जरूर एक चीज भूल कर गया है। कौन सी चीज भूल कर गया है? ही हैज फॉरगॉटन टू पे अस, ही हैज Forgotten to pay us, उसने हमारा किराया ही अदा नहीं किया और वो किराया अदा किए बगैर ही यहाँ से चला गया। The innkeeper never used the magic herb again. और इसके बाद जो innkeeper था, उस innkeeper ने यानी उस लॉज के मालिक ने आइंदा कभी भी मैजिक हर्ब इस्तेमाल ना करने का वहां पे अहद कर लिया और उसने कभी भी मैजिक हर्ब इस्तेमाल नहीं किया। नीचे लास्ट में लिखा हुआ है अ जापानीज फोक टेल, है ना। ये एक जापान की फोक टेल है। फोक टेल कहते हैं इलाकाई कहानी को, जो वहां पर आमतौर से लोग इस कहानी को सुना रहे होते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी स्टोरी जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो थे बहुत ज्यादा ग्रीडी थे, लालची थे, और जो मर्चेंट था, जो पुअर और टायर्ड सिंपल दिखने वाला मर्चेंट था, वो लोग उसे बेवकूफ बनाकर उसके सामान को हड़प करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी ये तरकीब फेल हो गई और दोनों के हाथ में नाकामी आई, और बल्कि उल्टा वो मर्चेंट जो था किराया दिया बगैर ही चला गया। अब स्टोरी के बाद कुछ एक्टिविटीज हैं, उसमें से एक एक्टिविटी हम यहाँ पर ले रहे हैं। टॉपिक दिया हुआ है द के इज साइलेंट इन नॉक, ना जो वर्ड नॉक है उसमें के लेटर जो शुरू में लिखा हुआ है वो साइलेंट होता है, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। राइट टू अदर वर्ड्स विद अ साइलेंट के,
क्या आप ऐसे कोई दो और वर्ड्स बता सकते हो जिसमें के का यूज किया हुआ है लेकिन वो साइलेंट है? सोचिए जरा कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें के तो आता है लेकिन वो साइलेंट होता है, जैसे यहाँ पर नॉक हमने देखा जिसमें के शुरू में लिखा हुआ है लेकिन वो साइलेंट है, कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? चलिए हम आपके सामने जवाब बता देते हैं। उसमें पहला वर्ड है KNOW, नो, है ना, इसमें के साइलेंट होता है, इसे नो पढ़ते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है नाइफ, जो कि स्पेलिंग है KNIFE, लेकिन उसमें भी के साइलेंट होता है, नाइफ, नाइफ यानी छुरी या चाकू। ओके, इस तरह से ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें के तो है लेकिन दोनों ही जगहों पर के साइलेंट है, दोनों वर्ड्स में के को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके बारे में कहा हुआ है अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स में एक एक लेटर जो है साइलेंट है उस साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहला वर्ड हमारे सामने है राइट, WRITE, राइट, इस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है? तो जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो शुरू में जो W आ रहा है हम W की आवाज नहीं निकाल रहे हैं बल्कि डायरेक्टली रो से प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इस तरह हो जाता है राइट, WRITE, राइट। उसका नेक्स्ट वर्ड है राइट, इसे भी वैसे ही पढ़ा जाता है लेकिन इसमें W नहीं है, तो इसमें कौन से लेटर साइलेंट है? इसमें साइलेंट है जी एंड एच, यानी जी और एच की साउंड यहाँ पर नहीं निकल रही है बल्कि उसे राइट पढ़ा जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिस्ट, रिस्ट में पहला जो डब्ल्यू है वो साइलेंट होता है, उसे आर से रीड किया जाता है, रिस्ट। इसी तरह नेक्स्ट है पाम, पाम जैसा कि हमें सुनने पर ही समझ आ रहा है उसमें जो एल लिखा हुआ है उस एल की आवाज यानी पाल्म इस तरह से नहीं पढ़ते बल्कि उसे पाम पढ़ते हैं और एल जो लेटर है वो यहाँ पर साइलेंट होता है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है स्कूल, स्कूल में ये सी एच लिखा हुआ है, आमतौर से जब सी और एच साथ में यूज किए जाते हैं तो उनकी आवाज चो हो जाती है ना, जैसे चेंज, राइट, लेकिन यहाँ पर जो स्कूल है उसमें सी की आवाज को की रहेगी, इस तरह हम कह सकते हैं कि स्कूल में जो लेटर एच है वो साइलेंट लेटर है। सीजर्स, सीजर्स में एस के बाद जो सी लिखा हुआ है वो साइलेंट लेटर है। उसका नेक्स्ट वर्ड है पिक्चर, पिक्चर में टी जो है वो साइलेंट रहेगा। देन लिस्टन, है ना, लिस्टन ये लिखा हुआ है लेकिन जब हम उसे रीड करते हैं तो हम कहते हैं लिसन, लिसन में टी साइलेंट होता है। और लास्ट वर्ड है हावर लिखा हुआ है लेकिन उसमें जो एच है वो साइलेंट होता है, इसलिए एच की बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी और उसे हम पढ़ेंगे आवर, आवर ये टाइम बताने के लिए जो हम कहते हैं घंटा, तो उसमें आपको ध्यान रखना रहेगा हावर नहीं पढ़ते बल्कि वो आवर होता है, एच उसमें साइलेंट है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें साइलेंट लेटर को यूज किया हुआ है, आपको इन्हें याद रखना रहेगा किस तरह से हमने उसे आइडेंटिफाई किया, आपको एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चों ये वीडियो बृहन मुंबई महानगर पालिका MCGM की तरफ से BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 6 इस चैनल पर आपके सामने पेश किया जा रहा है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।